आज हम जो स्कीम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY। ओके, सो ये योजना जो थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2006 में लॉन्च की गई थी, और ये योजना इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था कि जितने भी राज्य हैं भारत में वहाँ पे हर जगह सामान्य रूप से हर किसी व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली वगैरह हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। एम्स थे, अगर हम पहले की बात करें तो वहाँ पे एम्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन 2006 वगैरह में जो और काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे एम्स नहीं थे या एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो ये जो इम्बैलेंस था हेल्थ केयर फैसिलिटी के अवेलेबिलिटी में, वो पूरे भारत में या पूरे देश में एक जैसा सामान्य सबको अवेलेबल कराने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो थी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसका उद्देश्य जो था वो था करेक्ट करना इम्बैलेंसेस को। किस चीज़ का इम्बैलेंस? जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब वो जिन लोगों तक पहुंच पा रही है, उसमें काफ़ी असामान्यता थी। तो उस असामान्यता को करेक्ट करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, एंड साथ ही साथ जो मेडिकल एडुकेशन है उसको भी बढ़ावा देकर हर क्षेत्र तक क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन जो है वो पहुंचाया जा सके, स्पेशली अंडरसर्व्ड स्टेट्स में। अंडरसर्व्ड स्टेट्स या पिछड़े जो क्षेत्र हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़, चाहे वो मेडिकल केयर के हों या मेडिकल एजुकेशन के हों, जो नहीं पहुंच पाए हैं, जहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, जो BPL पर कैपिटा इनकम कम है, जो फाइनेंशियली पिछड़े वर्ग के हैं, उन तक ये एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन भी पहुंचाया जा सके, उसको ऑगमेंट करना, उसको बढ़ावा देना, इस उद्देश्य के साथ ये स्कीम शुरू की गई थी। ओके, इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स थे। पहला था कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना, स्पेशली उन राज्यों में जहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटस है लोगों की वो कम है, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, जो नवजात बच्चों की जो मृत्यु दर है, जहाँ माताओं की जो मृत्यु दर है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, जहाँ पे इन्फेक्शंस या जो भी बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे फैसिलिटी इतनी नहीं मिल पाती है, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने की जो योजना थी वो एक कॉम्पोनेंट रहा। और दूसरा कि जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं जिन भी राज्यों में, उनको थोड़ा और बेटर बनाना, अपग्रेड करना, ताकि उनकी फैसिलिटीज़ और बेहतर बनाई जा सकें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल सेंटर्स थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक अच्छे तौर से नहीं पहुँच पा रहे हैं या क्वालिटी केयर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए ये दो उद्देश्यों के साथ, ये दो कॉम्पोनेंट्स के साथ ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी। इसके तीन फेस रहे हैं। फेस 1 में सबसे पहले 6 एम्स बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश था, ये बनाया गया। और उसके बाद 13 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज सेंटर्स थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस थे, उनको अपग्रेड करने की योजना थी, तो ये पूरी की गई। उसके बाद जो सेकेंड फेस था, उस फेज़ में जब ये फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ तो सेकेंड फेज़ में ये प्लान किया गया कि 2 एम्स बनाया जाएगा और साथ ही साथ 6 जो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें अपग्रेड किए जाएंगे। तो 2 एम्स जो थे वेस्ट बंगाल और यूपी, ये किए गए। थर्ड फेज़ जो है वो अभी प्रपोज्ड प्लान चल रहा है, जिसमें बाकी जो बचे हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये थी आज का हमारा स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है कि ये लॉन्च कब हुआ था, ये मार्च 2006 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम या उद्देश्य क्या था कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सामान्य रूप से सब तक पहुँच सके, सारे ही स्टेट में, चाहे वो फाइनेंशियली अंडर स्टेट्स हैं या फाइनेंशियली नॉर्मल स्टेट्स हैं, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में, हर किसी व्यक्ति के पास एक सामान्य तौर से पहुंच सके हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये उद्देश्य था। इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि एक एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ और दूसरा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाए।
कितने फेज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 3 फेज़ हैं। आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट फेज़ में 6 एम्स बनाए गए और 13 एग्जिस्टिंग कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस को क्या किया गया था, अपग्रेड किया गया। सेकेंड फेज़ में 2 एम्स बनाए गए थे और 6 जो एग्जिस्टिंग मेडिकल सेंटर्स थे उन्हें अपग्रेड किया गया था। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके के MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये योजना समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन्स के लिए आप ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के ऐप को ज्वाइन करिए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन्स पाइए। थैंक यू।